हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग आँख के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ठीक है, या कहूं मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में आज हम बात करेंगे, ह्यूमन आई, ठीक है। तो देखिए, मानव नेत्र जो है हमारा बहुत ही जटिल संरचना है, बहुत ही ज्यादा जटिल संरचना है हमारी आंख, ठीक है। जटिल संरचना है इसकी, संरचना या कहूं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक जटिल संरचना होती है बच्चों। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम देख सकते हैं, ठीक है, देखना कई चीजों को, ठीक है, रंगों को पहचानना, रंगों को पहचानना, ठीक है, रंगों को पहचानना, ऊंचाई निचाई बहुत सारी चीजें, ठीक है, विमाओं को पहचानना, विमाओं का आकलन, ये सारे काम होते हैं महत्वपूर्ण से तरीके से, ठीक है, ये सारे काम होते हैं जिसमें टू सी, ठीक है, टू आइडेंटिफाई कलर, टू आइडेंटिफाई कलर्स, ठीक है, या फिर एनालिसिस ऑफ डायमेंशंस। अब डायमेंशन में कई चीजें आ गई, जैसे लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई, गहराई आ गई, व्हाटएवर, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं बच्चों, वो कहलाती हैं बच्चों विमाएं, ठीक है, जो हमें पहचाननी होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आंख का बेसिकली यही काम है। तो हमारी जो आंख जैसी होती है वो कैमरे जैसी होती है, कैसी होती है बच्चों, कैमरा, कैमरे जैसी होती है। जैसे कैमरा होता है ना, वैसी होती है, याद रखना, कैमरे जैसी होती है, जैसे कैमरा होता है, ओके, हाँ ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले इसकी संरचना अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि ये हमारी आंख होती है। तो हमारी आंख जो है, आंख जो है, आंख हमारी बच्चों याद रखना, आंख हमारी एक गोला है, गोलीय संरचना है, याद रखना, गोलीय संरचना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो आंख है ना, वो स्फेरिकल, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक गोले जैसा होता है, जैसे कोई स्फेयर होता है, गोला होता है बच्चों, ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसमें कई शिराएं होती है, कई इसके पार्ट हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके आप लोगों के सामने इन पार्ट्स को लिखूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया की, ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या है बच्चों, कॉर्निया। ज्यादा कुछ नहीं करना बच्चों इसमें, बहुत ध्यान से समझना है, कॉर्निया, कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया। तो कॉर्निया यहां पर कहां है बच्चों, ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा कॉर्निया है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ, ठीक है। तो नंबर 9 पर आप देख पाएंगे कि नंबर 9 पर कॉर्निया लिखा है, कॉर्निया, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्निया की, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है बस वही डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है, हाँ याद रखना बच्चों, यह पारदर्शी होता है, पारदर्शी, पारदर्शी होता है, जिसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं बच्चों, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, यह ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कॉर्निया के बच्चों, यह एंट्री पॉइंट है लाइट का, ठीक है, यह लाइट का एंट्री पॉइंट है, तो प्रकाश का, प्रकाश
का प्रवेश बिंदु या प्रवेश द्वार, ठीक है, एंट्री पॉइंट ऑफ लाइट, एंट्री पॉइंट ऑफ लाइट, लाइट का एंट्री पॉइंट, प्रवेश द्वार, लाइट का एंट्री पॉइंट यानी कि प्रवेश द्वार होता है, ठीक है। तो एक प्रकार की झिल्ली है ये, कैसी है बच्चों, झिल्ली है ये, याद रखना, जिसमें से प्रकाश हमारी आंख में अंदर एंट्री लेता है, झिल्ली मेम्ब्रेन, एक प्रकाश की झिल्ली है जिसमें अंदर लेता है ये आपका चीजों को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो आपका वो है बच्चों, अब ये यहां से यहां तक ये आपका क्या कहलाता है बच्चों, ये पूरा कॉर्निया है, ये कॉर्निया है, ठीक है। हाँ, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब बाकी यहां से इधर की तरफ ये जिस पर मैं लाइन डाल रहा हूं नीले रंग की, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हिस्सा, इसके बारे में बात करते हैं, ये ठीक है। हाँ, ये जो बाहर की तरफ है, ठीक है, इसे कहते हैं स्क्लेरा, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों इसे, स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा का हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, स्क्लेरा को याद रखना बच्चों, स्क्लेरा को हम हिंदी में कहते हैं, थोड़ा सा इसका नाम वो है, ठीक है। हाँ, मैंने एक हिंदी का डायग्राम भी लिया है, उसे कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं बच्चों, दृढ़ पटल, दृढ़ पटल लेते हैं बच्चों इसका, इसका मतलब दृढ़ पटल, ठीक है। हाँ, याद रखना ये ओपेक है, ओपेक, ठीक है, ओपेक, ठीक है, यानी कि अपारदर्शी, अपारदर्शी, यह अपारदर्शी एक जो है संरचना है, ओपेक है बच्चों, याद रखना, ठीक है। अच्छा, फाइबरस है, फाइबरस यानी कि तंतुमय, तंतुओं से मिलकर बना होता है, धागे जैसी संरचना जो होती है, तंतुमय है, ठीक है, फाइबरस है, याद रखना है, फाइबरस है। अच्छा, ठीक, उसके बाद क्या है बच्चों ये, ठीक है, मैं लिखता चल रहा हूं, बाद में एक एक करके ने डिस्कस देखते भी रहेंगे साथ साथ हम, ठीक है। हाँ, इसमें कोलेजन, इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, इसमें, इसमें कोलेजन, बस इनकी डिटेल में मत जाना, कोई जरूरत नहीं है बस, ठीक है, किसी और क्लास में इन्हें डिस्कस करेंगे हम कि क्या क्या होता है ये कोलेजन वगैरह, ये सारी चीजें क्या होती है। तो इसमें एक तो पाया जाता है कोलेजन, कोलेजन क्या हो गया बच्चों, सी ओ एल एल ए जी ई एन, कोलेजन पाया जाता है एक तो इसमें, ठीक है, और एक इसमें पाया जाता है इलास्टिक फाइबर, इसमें क्या पाया जाता है, इलास्टिक फाइबर, तो मैं कह सकता हूं तन्य तंतु, तथा, तथा भी लिख देना यहां, तथा या तंतु, यानी कि इलास्टिक, इलास्टिक फाइबर, फाइबर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें क्या पाए जाते हैं बच्चों, पाए जाता है, अब ये जो दृढ़ पटल है, ये वाला दृढ़, ठीक है, ये मेनली क्या होता है बच्चों, हाँ, ये क्या होता है बच्चों, व्हाइट पार्ट ऑफ द आई कहलाता है, ये क्या कहलाता है बच्चों, आंख का सफेद भाग, जो देखते हैं ना आप, आंख के चारों तरफ सफेद है, जैसे मेरी आंख का ये बिंदु बीच का काला है बाकी सफेद है, ऐसी आपका भी होगा, तो आंख का सफेद भाग कहलाता है, सफेद भाग, याद रखना, आंख का सफेद भाग कहलाता है, इसे हम कहते हैं व्हाइट ऑफ आई, बस इतना ही कहते हैं सर, व्हाइट ऑफ आई, व्हाइट ऑफ आई से कहा जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है बच्चों, यह यह प्रोटेक्टिव टफ लेयर है, प्रोटेक्शन इसका काम है, ठीक है, रक्षा करना किसकी, आंख की रक्षा करना, आंख की रक्षा करना बाहरी चीजों से, यह इसका काम होता है बच्चों, ठीक है। हाँ,
ठीक है, ठीक। तो मैंने आपको दो चीजें समझा दी, एक तो मैंने आपको समझा दिया बच्चों कॉर्निया, ये वाला हिस्सा। कॉर्निया कौन सा हिस्सा है बच्चों? ये वाला हिस्सा है कॉर्निया, लाल वाला जो मैं कर रहा हूं। और एक आपका ये नीला वाला हिस्सा, नीला रंग ले लेता हूं मैं, ये हिस्सा जो है बच्चों, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा? दृढ़ पटल यानी कि स्क्लेरा, ये। और फिर बाकी बचा हुआ ये बाहर के आउटर वाइट फाइबर कहलाती है बच्चों, आउटर वाइट लेयर या फाइबर कुछ भी कह सकते हैं, कॉर्निया। ठीक है, अब यहां पर ये जलीय द्रव है, आप देख रहे हैं जलीय द्रव, या यहां पर आप देखें तो इसे कहते हैं एक्वस बॉडी या एक्वस। ठीक है, एक होता है बच्चों आपका, यहां लिखता हूं मैं अगले पेज पर। अब है बच्चों आपका नंबर थ्री, एक्वस बॉडी, या सही जो नाम है बच्चों वो ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव, जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव। तो कॉर्निया के पीछे ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, ये कैसा होता है बच्चों? पारदर्शी द्रव। इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए बस लिख देता हूं इसकी कैसा दिखता है, पारदर्शी द्रव होता है बच्चों। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड इसे लिखा जाता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड इसको लिखा जाता है बच्चों, याद रखना, ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ें, ठीक है, इसी डायग्राम में देखते हैं हम। हाँ ठीक है, लिक्विड आ गया। अब ये जो नीला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये नीला सा, इसके अंदर वाला नहीं, ये नीला हिस्सा जो है, ये इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है बच्चों? ये नीला हिस्सा जो है बच्चों आपका, ये कहलाता है आयरिस। क्या कहलाता है बच्चों? आयरिस, नीला हिस्सा जो है, आई रिस। ये देखिए ये नीला हिस्सा, ये पीला जो मैं कर रहा हूं, ये हिस्सा है बच्चों आपका आयरिस। तो इसका काम देख लेते हैं क्या होता है। नंबर फोर, नंबर फोर आयरिस, सॉरी आई रिस, आयरिस। ठीक है, अब ये आयरिस क्या होता है, अगर इसे आप देखें ध्यान से, क्या होता है आयरिस? ये आपके गहरे काले रंग के पेशियां, वो होती है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, डार्क मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, ठीक है। तो गहरे काले रंग की, या कहूं काले रंग की, काले रंग की पेशीय उत्तक। ये तो पेशीय उत्तक के एग्जाम्पल में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि किसी पेशी, इनमें से कौन सा पेशीय उत्तक है। तो याद रखना आयरिस को पेशीय उत्तक आपको बताना है बच्चों। ठीक है, हाँ ठीक है। यह संकुचित या विरलित हो सकती है, विरलित हो सकती है। ठीक है, संकुचित का क्या मतलब हुआ? क्या यानी कि इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना, ये सिकुड़ सकती है, और इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, ये सिकुड़ भी सकती है, एंड और एक्सपेंड, और फैल भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फैल भी सकती है बच्चों, याद रखना। हाँ, इसकी संरचना छल्ले जैसी होती है, छल्ले जैसी संरचना, इसकी संरचना रिंग टाइप होती है, रिंग, रिंग शेप, जैसे रिंग होती है ना, हाँ इस टाइप, किसकी शेप होती है, किसकी? आयरिस की बच्चों, आयरिस की।
ठीक है, ठीक है। तो आंखों का जो रंग है वो आयरिस का ही कलर होता है, ठीक है। तो मैं यहां लिखो, अगर आयरिस का रंग ही आंखों का रंग होता है, जैसे किसी की भूरी आंखें हैं, किसी की नीली आंखें हैं, किसी की काली आंखें हैं, तो आयरिस का रंग ही आंखों का रंग होता है। ये याद रखिएगा, जो कलर आयरिस का होगा वही आपकी आंखों का रंग होगा, याद रखना बच्चों, ठीक है। कॉर्निया और लेंस के बीच पाई जाती है, कॉर्निया और लेंस, अभी आगे पढ़ेंगे हम, लेंस के बीच पाई जाती है, के बीच होती है। बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में लिखा करो जितना हो सके, बिल्कुल ऐसा जैसे आप बात कर रहे हो एक दूसरे से, ऐसी लैंग्वेज में हमें लिखना चाहिए साइंस को, तभी ये बहुत इजी होती है, अदरवाइज मुश्किल होती चली जाती है। ठीक है, हाँ। ये क्या करती है, ये एक प्यूपिल होती है, यह आंख की पुतली, ठीक है, जो आंख की पुतली होती है ना बच्चों, पुतली, ठीक है, जो आंख की पुतली होती है उसके साइज को कंट्रोल करती है, आंख की पुतली के आकार को, के आकार को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। यह आंख की पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, याद रखना। इट कंट्रोल्स ठीक है, द साइज ऑफ प्यूपिल, पुतली को प्यूपिल कहते हैं बच्चों, प्यूपिल। और कैसे कंट्रोल करती है, प्रकाश की मात्रा जो आंख में एंट्री कर रही है उसकी मात्रा को नियंत्रित करके। तो मैं यहां भी लिख सकता हूं, इट आल्सो कंट्रोल्स क्या चीज, इट आल्सो कंट्रोल्स व्हाट, क्या कंट्रोल करती है बच्चों, अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग, ठीक है। सरल भाषा में कहूं, यह प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, जो प्रकाश की मात्रा है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। बस जब प्रकाश की मात्रा हमारी आंख में नियंत्रित होगी, उसी से हमारी आंखों की जो पुतली है उसका आकार, प्यूपिल है, उसका आकार भी जो है क्या होगा बच्चों, वो होगा क्या कहते हैं उसे, कंट्रोल, ठीक है। कहीं कहीं इसका नाम परिनलिका भी होता है, परिनालिका, तो कंफ्यूज मत होना, ये भी सेम चीज है, परिनालिका, ठीक है। ये भी आप बता सकते हैं कि इसका दूसरा नाम है बच्चों, आयरिस का, ठीक है, हाँ ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, जो जितनी चीजें महत्वपूर्ण है उसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आयरिस हो गई भैया, यहां देखिए, ये आयरिस हो गई, मैं इसे मिटा रहा हूं यहां से, हाँ आयरिस हो गई। अब ये 10 नंबर पे क्या है बच्चों, प्यूपिल, एक आंख की पुतली, अब इसे डिस्कस करते हैं। तो मेरे ये हो गए 4 आयरिस, पांचवा जो भाग है आंख का, पांचवा जो भाग है फिफ्थ, उसे क्या कहेंगे हम, प्यूपिल कह दो या फिर पुतली, ठीक है, आंख की पुतली जो होती है, प्यूपिल जो होती है, इसके बारे में। ये एक छोटा सा होल है आयरिस के बीच में, ये क्या है बच्चों, होल इन आयरिस,
या इरीज भी कहते हैं, इसे पता नहीं क्या क्या कहते हैं, यानी कि आयरिस में छिद्र है, एक आयरिस का छिद्र, ठीक है, ठीक आयरिस के बीच में एक छिद्र होता है, यहां छिद्र नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप देखें इसे तो ये जो नेत्र तारा है, नेत्र तारा वो कहते हैं ना आंखों का तारा, तो आंखों का तारा एक्चुअली यही होता है। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? नेत्र तारा। तो ये एक प्रकार का होल है, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर तो ये क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का होल है नेत्र तारा, ध्यान से देखिए, ये एक प्रकार का होल है यहां पर, ठीक, यहां पर इस होल को थोड़ा सा अलग से बनाया है, ये देखिए अलग से बनाया, ठीक है, हाँ। तो ये होता है बच्चों एक आयरिस में छोटा सा होल, ठीक है, और यही कहलाता है बच्चों प्रकाश का प्रवेश बिंदु, प्रकाश का प्रवेश बिंदु, जो प्रकाश एंट्री करता है ना, तो एंट्री पॉइंट ऑफ लाइट, एंट्री पॉइंट ऑफ लाइट, सही मायनों में यही होता है, जो हमने कॉर्निया में पढ़ा था, कॉर्निया में प्रकाश का प्रवेश द्वार है, वो एंट्री पॉइंट ना कह के, एंट्री गेट कह दो, या कह दो इसे कह दो एंट्री गेट, यानी कि कॉर्निया में तो प्रकाश सबसे पहले आंख के कांटेक्ट में आएगा, यहीं से अंदर जाएगा, लेकिन आंख के अंदर क्या होगा बच्चों? वहां पर ये आपकी जो प्यूपिल है, आंख की पुतली है, वो इसका गेट बन जाएगी, वो इसका गेट बन जाएगी, ठीक है, गेट बन जाएगी, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो इसका जो साइज है वो कौन कंट्रोल करता है बच्चों? प्यूपिल यानी कि पुतली का जो साइज है बच्चों वो कंट्रोल करेगी कौन? आयरिस, आपको मैं पहले बता चुका हूं, वहां पे मैंने लिखवा दिया था ये, ठीक है, तो यहां लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ। तो एक्चुअली जब आयरिस कुछ कंट्रोल करती है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करती है, जैसे कि हमने यहां पर लिखा था कि इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, यह प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो एक्चुअली प्यूपिल का ही साइज छोटा या बड़ा होता है, जिससे अंदर जाने वाला प्रकाश है उसकी मात्रा कंट्रोल होती है, याद रखना, उसकी मात्रा कंट्रोल होती है, ये प्यूपिल का काम है बच्चों, ठीक है, ओके। अब ये हो गई आपका क्या बच्चों? आंख की पुतली, ये आंख की पुतली हो गई बच्चों। आंख की पुतली के ठीक पीछे क्या है? आंख की पुतली के ठीक पीछे क्या है प्यारे बच्चों? अगर ध्यान से देखें आप तो वो ये हिस्सा ही है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? एट नंबर पे यहां देखेंगे, एट नंबर पे इसे लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? लेंस। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं ये लेंस है आपका, ये लेंस है बच्चों, ये है ना। तो आप बात करते हैं बच्चों लेंस की, ठीक है, हाँ लेंस, ठीक है, नंबर सिक्स पार्ट है आपका लेंस। इनका काम क्या होता है ये हम बाद में करेंगे डिस्कस, लेकिन अभी सिर्फ आंख की संरचना की बात करेंगे। लेंस ये हो गया बच्चों आपका लेंस। अब लेंस का क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो याद रखना ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बच्चों? उत्तल, उत्तल लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस होता है। देख रहे हैं आप इसका शेप कैसा है, ऐसा है ना, ऐसा, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इस शेप का होता है बच्चों, इस शेप का होता है। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है बच्चों। ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, हाँ ट्रांसपेरेंट। अब लेंस का क्या काम है? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जाहिर सी बात है अगर लेंस है तो पारदर्शी होगा, है ना, हाँ। सॉफ्ट, सॉफ्ट, ठीक है, कोमल या मुलायम, एक तरह से कह सकते हो आप, सॉफ्ट कह सकते हो, मुलायम कह सकते हो, और बहुत ही फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला,
लचीला, ये होता है बच्चों लचीला, ठीक है। अब लेंस का क्या काम है आपको पता ही है बच्चों, ठीक है, क्या होता है एग्जैक्टली, ऐसा तो है नहीं आपको नहीं पता, तो लेंस का सारा पता होगा आपको कि इसका ये काम है, ये काम है, ठीक है। हाँ ओके, तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें इस लेंस पे पड़ती हैं तो इसका साइज बड़ा छोटा होता है, किसकी मदद से होता है ये आगे बताऊंगा, ठीक है। हाँ, जब दूर की चीजों पे फोकस करना होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर दूर की वस्तु पर, मान लीजिए आपको फोकस करना है, क्या करना है बच्चों, फोकस, दूर की वस्तु पर फोकस करना है, तो याद रखना लेंस पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, या कहूं दूसरी भाषा में उसका जाएगा वक्रपन जो है घट जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे तो डिक्रीमेंट इन कर्वेचर, जो वक्र है कर्वेचर, जाहिर सी बात है अगर कोई लेंस पतला हो गया तो उसका कर्वेचर घट गया, अगर कोई लेंस ऐसे हो गया सीधा तो कर्वेचर मान लो ऐसे था, अब वो ऐसे 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 हो रहा है सीधा, तो इसका वक्रपन कम हो रहा है ना, तो कर्वेचर घट रहा है। पास की वस्तु, अगर आपको देखना है कि पास की वस्तु पर अगर फोकस करना है आपको तो क्या होगा बच्चों, लेंस मोटा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वक्रपन जो है बच्चों, वक्रपन बढ़ जाएगा, वक्रपन बढ़ जाएगा, तो इंक्रीमेंट इन कर्वेचर, ठीक है। हाँ, तो इसे लिखेंगे फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहां लिखेंगे फॉर नियरर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये याद रखना। अगर किसी दूर की वस्तु को देखेंगे ना तो आपकी आंख फैल जाएगी, ताकि उस दूर से आने वाली वस्तु से ज्यादा प्रकाश आपकी आंख में एंट्री करे, लेकिन जब कोई पास की वस्तु देखते हैं तो आप खुद भी अपनी आंखें ऐसे सिकोड़ लेते हैं, ठीक है, तो आप सिकोड़े ना सिकोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिकोड़ के क्या होता है कि जो आपकी आंखें हैं उसका जो लेंस है वो छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज छोटी होगी तो ऐसे फैल जाएगी, जब कोई चीज को खींचेंगे तो वो पतला हो जाएगा, है ना, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है और कुछ उससे अलग नहीं लग रहा, ठीक है, तो वो आपकी छोटी हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। तो ये होता है बच्चों आपका लेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई मैंने आपको, इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, ठीक है। यह प्रोटीन से मिल बना होता है, यह प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, यह प्रोटीन से बना होता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटीन, ये जो सॉफ्ट मटेरियल होता है ना इस लेंस का, वो प्रोटीन होता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हाँ अब लेंस भी हो गया बच्चों, लेंस, ठीक है। हाँ, अब ये जो हिस्सा है बच्चों इसके बारे में बात करेंगे, कौन सा, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा, ये आंख के चारों तरफ है ना, ये ऐसे पतला होता जा रहा है, आंख के आसपास मोटा है, यहां पतला होता जा रहा है, तो इसे कहते हैं नंबर 6। और नंबर 6 क्या है बच्चों आपका, नंबर 7, हाँ नंबर 7, 6 नहीं बेटा, यहां तक बस, ये चीज जो है आपकी, ये यहां तक, ये चीज जो है बच्चों, ये चीज जो है, ये पूरी, तो इसे कहते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे है आपकी बच्चों, हाँ, सिलरी बॉडी,
सिलरी बॉडी, ठीक है, मांसपेशियां, सिंपल सा कह सकता हूं मांसपेशियां। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब। ओके तो कौन सा नंबर है अब हमारा, छह, नंबर सात, नंबर सेवन, ठीक है, सिलरी बॉडी, ठीक है, सिलरी बॉडी के बारे में बात हो रही है। तो सिलरी बॉडी जो है बच्चों, इसको हिंदी में एक्चुअली क्या कहते हैं, सिलरी बॉडी को, बस मांसपेशिया समझ लीजिए आप इसे, मांसपेशिया कहते हैं एक प्रकार की, ठीक है, हाँ मांसपेशिया, ये सिलरी मसल्स भी कहते हैं इसे, मांसपेशिया, ठीक है, मांसपेशिया, सिलरी बॉडी यानी कि मांसपेशिया जो होती है बच्चों, मसल्स जो होती है, ठीक है, हाँ ओके। तो ये क्या करती हैं, होल्ड करती हैं लेंस को, होल्ड लेंस यानी कि लेंस को पकड़ के रखती हैं, लेंस को जकड़ के रखती हैं। इसका पहला काम यह है। दूसरा, लेंस का कर्वेचर चेंज करना, चेंज द कर्वेचर ऑफ लेंस, जो लेंस होता है बच्चों, लेंस का वक्रपन का निर्धारण, यही लिख देता हूं मैं, निर्धारण। अब क्यों ऐसा करते हैं लेंस का, वही जो मैंने पीछे बताया आपको, जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया, ये पूरी चीज, ये यहां से यहां तक की पूरी चीज क्यों करते हैं, ये आपको पता चल गया। तो ये काम कौन करता है बच्चों, ये काम करता है बच्चों आपका सिलरी बॉडी, या कहूं आपका मांसपेशिया, सिंपल भाषा में इसे मांसपेशिया कह देंगे, ठीक है, सिंपल भाषा में। अब हां मांसपेशियों, अब ये हो गया, ठीक है, सिलरी बॉडी, इसमें सारी चीजें नहीं मैं समझाऊंगा, ठीक है, कुछ ही चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ अब जैसे इसके पीछे का ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसी सिलरी बॉडी के पीछे का हिस्सा नंबर सिक्स पे अगर आप देखें तो इसे कोरॉइड कहते हैं, कि बच्चों क्या कहते हैं, कोरॉइड। लेकिन इसका फंक्शन, डोंट वरी, ये जकड़ना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है, इसका फंक्शन जकड़ना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु, वो है बच्चों नंबर चार, रेटिना। ये देखिए, ये पीला वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं बच्चों इसे, रेटिना, रेटिना, ठीक है। तो चार नंबर पे ले लेते हैं बेटा, मैं अब चार नंबर पे ले लेता हूं, छ सात आठ, आठवां नंबर ले लेता हूं, एट्थ, ठीक है, हाँ एट, तो हम कहते हैं रेटिना, 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 ठीक है, रेटिना। अब रेटिना क्या होती है बच्चों, यह लाइट सेंसिटिव एलिमेंट है, लाइट सेंसिटिव एलिमेंट, ठीक है, जो आंख होती है उसमें जो प्रकाश होता है, तो प्रकाश के प्रति संवेदनशील, प्रकाश के प्रति संवेदनशील, जो प्रकाश होता है उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है रेटिना आपकी, याद रखना बच्चों, ठीक है। हाँ प्रतिबिंब यही बनता है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म्स ऑन इट, ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यही बनता है, यही बनता है, यही बनता है बच्चों प्रतिबिंब, याद रखना। तो आपकी आंख का काम कैमरे की तरह क्या है, इमेज बनाना है ना, तो वो इमेज रेटिना पर ही बनती। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, याद रखिएगा,
ठीक है। इसमें रॉड्स एंड कॉन्स नाम के क्या पाए जाते हैं बच्चों? रॉड्स एंड कॉन्स, ये दो चीजें होती हैं बच्चों जो पाई जाती है, रॉड, रॉड्स एंड कॉन, ठीक है। हाँ, इसमें इट कंटेन्स रॉड्स एंड कॉन्स, एंड कॉन्स, इसमें रॉड्स एंड कॉन्स पाए जाते हैं, इसमें, ठीक है, एक मिनट, इसमें, हाँ एक सेकंड बेटा, हाँ ठीक है, इसमें नेत्र, नेत्र, दंड, ठीक है, नेत्र दंड कह दो, मतलब दंड मतलब डंडे जैसा, ठीक है, तथा नेत्र शंकु होते हैं, नेत्र शंकु होते हैं, ठीक है, हाँ नेत्र शंकु होते हैं, इसमें याद रखना बच्चों, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये जो रॉड्स एंड कॉन्स हैं ये एक्चुअली ऑप्टिक नर्व हैं, यहां लिख देता हूं मैं, रॉड्स, रॉड्स का क्या काम होता है? रंग पहचानने का, रंग पहचानना, ये काम होता है बच्चों रॉड्स का, जो दंड होते हैं उनका काम होता है कलर को पहचानना, ठीक है। हाँ, तथा दूसरा काम क्या होता है बच्चों? सीधा क्या कहना चाहिए इसे, सेंट्रल विजन को क्या कहेंगे हम? सीधा दृश्य, इससे दिखता है, सीधा दृश्य जिसे हम सेंट्रल, सेंट्रल विजन कहते हैं, सेंट्रल विजन इसी से देखने को मिलता है, सेंट्रल विजन, ये बिल्कुल सीधा दृश्य जो होता है वो इससे आप देखते हैं, इसकी मदद से आप देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्स जो होते हैं बच्चों, कॉन्स, ठीक है, इनका क्या काम होता है बच्चों कॉन्स का? ठीक है, एक सेकंड, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, आई एम सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड, ये मैंने उल्टा बता दिया, ऊपर कॉन्स का काम है, कॉन्स, कॉन्स, ये रॉड का आप बताएंगे, ठीक है। हाँ, कॉन्स का काम है रंग पहचानना, ठीक है, और बिल्कुल सीधा दृश्य दिखाना, ठीक है। हाँ अच्छा, एक और रख लेना, तेज प्रकाश के तेज प्रकाश संवेदनशील, तेज प्रकाश, चलो इसे मिटा देता हूं अभी मैं, संवेदनशील, संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव, सेंसिटिव अगेंस्ट, अगेंस्ट, अगेंस्ट इंटेंस, इंटेंस लाइट, ठीक है, तेज प्रकाश को यही कंट्रोल करता है हमारी आंखों में, याद रखना, कॉन्स जो होते हैं बच्चों, ठीक है। ब्राइट लाइट, चमकदार, ब्राइट कह दो बल्कि इंटेंस की जगह ब्राइट ज्यादा अच्छा वर्ड है, ब्राइट, बी आर आई जी एस टी, ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट के प्रति ये होते हैं, जबकि रोड्स जो हैं बच्चों, रोड्स वो हल्के प्रकाश, हल्के प्रकाश के प्रति, के प्रति संवेदनशील, आप यहां भी ऐसे लिख लेना, तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशील, जगह कम थी तो मैंने तब लिख दिया था, पर आप लिख लेना के प्रति संवेदनशील, संवेदनशील, ठीक है। तो सेंसिटिव, सेंसिटिव अगेंस्ट, अगेंस्ट
लाइट डल लाइट सॉरी डल लाइट, डल लाइट जो होती है उसके प्रति संवेदनशील होते हैं, याद रखे गए। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो इसमें ये पाए जाते हैं बच्चों, ये पाया जाता है आपका। ठीक है, तो ये किस में पाए जाते हैं बच्चों? आपके सीधी सी बात है, रेटिना में। ये किस में पाए जाते हैं? रेटिना में, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ रेटिना में। ठीक है, हाँ अब रेटिना को ही कंटिन्यू करते हैं, रेटिना ही चल रहा है वैसे तो ये। ठीक है, लेकिन आप क्या करें बच्चों, रेटिना को ही हम कंटिन्यू करते हैं और इसमें देखते हैं आगे क्या हो सकता है और क्या क्या हो सकता है। हाँ ठीक है, रेटिना को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा हिंदी का समस्या रहती है ना, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सही वर्ड बताना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सही वर्ड बताना चाहता हूँ कि भाई बिल्कुल सही वर्ड आपको पता चले। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा इसमें, यह परिधीय परिधीय दृश्य दृश्य दिखाता है। परिधीय दृश्य मतलब पेरिफेरल पेरिफेरल विजन। ठीक है, इससे पेरिफेरल विजन यानी कि आपकी आंख जो देख रही है बिल्कुल सामने वो तो कहलाता है सेंट्रल विजन, लेकिन आपको आसपास का भी तो दिखाई दे, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की यूट्यूब स्क्रीन इधर है, इधर एक कैलेंडर लगा हुआ है। ठीक है, या मतलब पता चलता रहता है कि आपके आसपास भी क्या है, ऐसा अगर आप कर दे तो वो दिखना बंद हो जाएगा, तो ये पेरिफेरल विजन कहलाता है, जो बिल्कुल सीधा देखते हैं आंख से, जैसे मैं अभी आपको सीधा देख रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि आपको यहां तस्वीर भी दिख रही होगी, अपने कमरे में किताबें दिख रही होंगी, इसी तरीके से मुझे भी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं इस कमरे में, तो ये पेरिफेरल होता है, जो सेंट्रल को छोड़ के बाकी सब होता है पेरिफेरल होता है। सेंट्रल बिल्कुल सामने का कुछ एंगल तक का जो वो होता है बच्चों, एरिया यानी कि कुछ एंगल ही कवर करता है जिसमें सेंट्रल विजन आता है। तो सेंट्रल विजन के लिए कौन से होते हैं? रोड्स जो होते हैं वो पेरिफेरल यानी कि परिधीय दृश्य के लिए होते हैं बच्चों, सीधा दृश्य या केंद्रात्मक दृश्य भी कहते हैं बच्चों से, उसके लिए ये वो होते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ अब ये जो है आपकी रेटिना, रेटिना को ही कंटिन्यू करूंगा मैं। ठीक है, यहां पर यह प्रतिबिंब को, यह प्रतिबिंब को ठीक है वैद्युत तरंगों में ठीक है, आपको पता है ना इमेज यही बन रही है, तो ये क्या करती है? बनी हुई इमेज को वैद्युत तरंगों में परिवर्तित करती है, परिवर्तित करती है। ठीक है, हाँ इट कन्वर्ट्स इमेज इनटू किसमें बच्चों? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स याद रखिएगा। ठीक है, हाँ या इंपल्स भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक इंपल्स। मैं तो आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूं, इंपल्स कहते हैं वैसे सही वर्ड, लेकिन आप इलेक्ट्रिक सिग्नल भी कह सकते हैं, इसे समझना ज्यादा आसान है। एक इलेक्ट्रिक सिग्नल, अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कहां जाएंगे? हमारे दिमाग में, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजे जाते हैं हमारे दिमाग में बच्चों। ठीक है, हाँ तो वो काम कौन करता है बच्चों, वो काम कौन करता है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो रेटिना आपका पूरा हो गया, रेटिना जो है ये है बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारी आंख का, तो ये रेटिना पूरा हो गया आपका। ठीक है, अब इन रेटिना से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल मिले ये कौन लेके जाएगा बच्चों?
ऑप्टिक नर्व देख रहे हैं आप, ये ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व यहां पे नंबर एक, यानी कि ये वाली शिराएं, ये वाली शिराएं, ये शिराएं, ये क्या है बच्चों, नंबर वन, ये ऑप्टिक नर्व है। तो अब क्या होगा, अगला क्या है बच्चों, अगला भाग रेटिना नंबर आठ, नंबर नौ, नंबर नौ ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्रकाशीय, प्रकाशिक शिराए, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, अगर आप देखें यहां पर, ये प्रकाश शिरा, हाँ यही नाम होता है, ठीक है, ठीक है, प्रकाश शिरा, ये हो गया यहां पर। तो महत्वपूर्ण यही है, इंपॉर्टेंट यही है। तो ये क्या करती है, हमारे शरीर, हमारे नेत्र को कनेक्ट्स, कनेक्ट्स आई, आईज टू ब्रेन, ठीक है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नेत्र को, नेत्र को मस्तिष्क से जोड़ती है, मस्तिष्क, मस्तिष्क से जोड़ती है, नेत्र को मस्तिष्क से जोड़ती है, याद रखना बच्चों, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल यहां बने थे रेटिना के द्वारा, इनको आंख से ब्रेन तक ले जाती है, तो ट्रांसमिट्स, ट्रांसमिट्स सिग्नल्स या इंपल्स, ठीक है, ट्रांसमिट सिग्नल्स या इंपल्स टू आवर ब्रेन, ठीक है, टू आवर ब्रेन, यानी कि जो सिग्नल है और, ठीक है, उस सिग्नल इंपल्स को हमारे ब्रेन तक लेके जाती है। तो कहो, इसे कहो रेटिना से, सही हिंदी में अगर लिखूं मैं, रेटिना से सिग्नल को, सिग्नल को मस्तिष्क से ले जाती है, मस्तिष्क तक ले जाना, इसका एक काम ये भी है बच्चों, मस्तिष्क तक ले जाना, ये एक काम है बच्चों, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब ये था बच्चों आपका इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें डिस्कस करनी थी, लेकिन इसके अलावा दो चीजें और हैं, ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, ठीक है। हाँ, उसको मैं वही इमेज पर डिस्कस करना चाहूंगा। ये तो महत्वपूर्ण चीजें थी जो होनी चाहिए बच्चों, आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि दो पॉइंट होते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे पहला पॉइंट है बच्चों आपका नंबर थ्री, ये नंबर थ्री आप देख रहे हैं यहां पर कि जो कॉर्निया है बच्चों आपका, कॉर्निया के ठीक मिड पॉइंट से अगर मैं एक सीधी लाइन ऐसे खींचूं तो वो आकर इस पॉइंट पर मिलती है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नंबर थ्री को, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, नंबर थ्री को इसे हम कहते हैं बच्चों, हाँ, फोविया सेंट्रलिस, या इसे हम आसान भाषा में कहते हैं पीत, पीत यानी कि पीत मतलब पीला, पीत बिंदु, पीत बिंदु वो होता है बच्चों जहां पर, जहां पर आपका क्या बनता है, सबसे अच्छा, सबसे चमकदार इमेज बनती है। तो पीत बिंदु जो होता है, चलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है, हाँ ठीक है, पीत बिंदु जो होता है, चलिए वही लिखता हूं, ज्यादा अच्छा तो यही है कि वही लिखा जाए, क्योंकि फिर याद, क्योंकि इतना वैसा नहीं है ये चीज, हाँ ठीक है। ये जो आपका फोविया सेंट्रलिस है, ये यहां लिखता हूं इसे, ठीक है, तो कॉर्निया और रेटिना के बीच की न्यूनतम दूरी होती है यहां पे, मिनिमम डिस्टेंस
ये कैसे जाएगा? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कॉर्निया कॉर्निया एंड रेटिना रेटिना कॉर्निया और रेटिना के बीच की सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी, बच्चों आप लिख लीजिएगा हिंदी में, कॉर्निया और रेटिना के बीच की न्यूनतम दूरी है, ये कॉर्निया के ठीक बिल्कुल सामने होता है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश यहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां क्या होता है बच्चों, सबसे यहां पर क्या होता है वो बता देता हूं मैं, सबसे साफ प्रतिबिंब, सबसे साफ प्रतिबिंब यही आपका बनता है, याद रखिएगा, सबसे साफ प्रतिबिंब जो है आपका पीत बिंदु पर ही बनता है, पीत बिंदु पर ही बनता है, ठीक है। अच्छा, एक यहां पर होता है बच्चों ऑप्टिक डिस्क, आप देख रहे हैं यहां पर ये ऑप्टिक डिस्क नंबर 3, ये चीज, ये हिस्सा, ठीक है, ये साफ कर रहा हूं मैं, ये वाला हिस्सा बच्चों, ये होती है एक ऑप्टिक डिस्क, ये ऑप्टिक डिस्क का हम क्या कहते हैं बच्चों, अंध बिंदु, अंध बिंदु, अंध बिंदु जो होता है बच्चों, यहां पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, कोई इमेज नहीं बनती, नहीं बनती, कोई इमेज नहीं बनती बच्चों इस अंध बिंदु पर, याद रखिएगा, कोई इमेज नहीं बनती, क्योंकि जहां पे ऑप्टिक नर्व आके जुड़ती हैं, तो ये नंबर 2 पॉइंट जो है बच्चों, ये है आपका ज्वाइंट ऑफ ज्वाइंट पॉइंट ऑफ ज्वाइंट पॉइंट ऑफ नर्व्स, जितनी भी ऑप्टिक शिराएं यानी कि प्रकाश शिराएं हैं हमारी आंख में, वो आकर इस बिंदु पर मिलती है, और यहां पर किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का प्रकाश फोकस नहीं होता, यहां पर अंध बिंदु है, दैट इज कॉल्ड अंध बिंदु, यहां पर किसी हालत में भी आप इसे कुछ मतलब कोई इमेज नहीं बनती, ठीक है। तो ये जो नंबर 2 है बच्चों, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट, नंबर 2 जो यहां पर है, ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, आई एम सॉरी, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, ठीक है। हां, अब ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, एक यहां पर नंबर 14 है विटेरस बॉडी, ये सारा हिस्सा, ये कहलाता है बच्चों विटेरस बॉडी, क्या कहलाता है बच्चों, विटेरस बॉडी कहलाता है बच्चों, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको खुद से लिखने होंगे, ये जो मैंने लिखवाए, क्योंकि मैं इसे साफ कर दूंगा तो फिर जो है आपको ये लिखने का मौका नहीं मिलेगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा इसे, ठीक है, आपको लिखने का मौका नहीं मिलेगा, मैं इसे साफ कर रहा हूं, आपको ये खुद लिखने होंगे बच्चों, ठीक है, या चलिए अच्छा मत लिखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, विटेरस बॉडी, आगे चलते हैं अब, ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए, विटेरस बॉडी क्या हो, कांच द्रव, कांच द्रव, ये जो होता है बच्चों विटेरस बॉडी, या विटेरस ह्यूमर भी कहते हैं इसे, ठीक है। अगर मैं नंबर 10 की बात करूं तो ये बन जाएगा नंबर 10 विटेरस, विटेरस बॉडी या ह्यूमर, ठीक है, कांच द्रव, कांच द्रव। अब कांच द्रव का मतलब क्या है बच्चों, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट आप समझ गए, यानी कि पारदर्शी, पारदर्शी होता है बच्चों, ये ट्रांसपेरेंट होता है बच्चों, ठीक है, ये होता है आपका ट्रांसपेरेंट बिल्कुल, ठीक है, ये भी एक तरह का द्रव है, लिक्विड है बच्चों, ठीक है। हाँ, एक होती है बच्चों रेंज ऑफ विजन, ठीक है, रेंज ऑफ विजन आपको पता है, ठीक है। हाँ, एक तो होता है नियर पॉइंट, नियर पॉइंट ये होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर पर,
25 सेंटीमीटर से पास अगर आप रखते हैं किसी वस्तु को तो आपको सही नहीं दिखाई देगी, नियर पॉइंट कहते हैं उसे बच्चों, नियर पॉइंट, ठीक है, नियर पॉइंट यानी कि 25 सेंटीमीटर तक ही कम से कम आपको अपनी आंख से कोई चीज दूर रखनी है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नियर पॉइंट। इसे क्या कहते हैं, नियर पॉइंट। एक होता है बच्चों फार पॉइंट, फार पॉइंट ये होता है बच्चों अनंत पर, इन्फिनिटी, अनंत पर, ठीक है। तो नियर पॉइंट का क्या मतलब होता है, नियर पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों, निकट बिंदु या निकटस्थ बिंदु। और फार पॉइंट का मतलब है बच्चों दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ बिंदु। तो आप 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। अब अनंत का मतलब ये नहीं कि अनंत पे क्या है, अनंत का मतलब है जैसे सूरज है बहुत दूरी पर है ना, लेकिन हम उसे देख लेते हैं, फिर भी तारे हैं जो सूरज से भी बहुत अधिक दूरी पर हैं तो उन्हें देख लेते हैं। तो वही है बच्चों नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, निकट बिंदु और दूरस्थ बिंदु जो होते हैं ये होते हैं बच्चों रेंज ऑफ विजन। 25 से लेकर अनंत पर स्थित वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम पर है उसे आसानी से नहीं देख सकते बच्चों, नहीं देख सकते, ठीक है। हाँ, एक होता है बच्चों अकोमोडेशन ऑफ आई, अकोमोडेशन ऑफ आई, आंख की अकोमोडेशन, जैसे हिंदी में कहते हैं समंजन, नेत्र समंजन, नेत्र समंजन। नेत्र समंजन क्या होता है बच्चों, नेत्र समंजन का मतलब कि लेंस की वो क्षमता जिससे वो अपनी फोकस दूरी को चेंज करता है, एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। जो फोकल डिस्टेंस होती है, फोकस दूरी होती है, उसकी, उसको बदलने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल डिस्टेंस, ठीक है। नेत्र की फोकस दूरी को, नेत्र की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता, बदलने की क्षमता, ठीक है। हाँ, तो नेत्र की जो वो होती है ना बच्चों फोकस, फोकल डिस्टेंस को बदलने की क्षमता, उसे कहते हैं बच्चों हम क्या, उसे हम कहते हैं बच्चों अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, ठीक है। बस यही आपको याद रखना है बच्चों। तो ह्यूमन आई में इतना ही, और बाकी इसके कुछ डिफेक्ट हैं, इसका ये किस तरह काम करती है, इसको मैं किसी और लेक्चर में आप लोगों के लिए सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, बने रहिए मेक इट इजी चैनल के साथ, ठीक है, हमारे मेन चैनल पे, मेक इट इजी स्किल्स चैनल पे, दोनों जगह सब्सक्राइब जरूर करें आप, और कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे भी अपने कमेंट दे सकते हैं, कोई भी डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।